गीजा के महान पिरामिड प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक हैं। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से सिर्फ ये पिरामिड ही शेष बचे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मिस्र के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हमारे प्लैनेट के पूरे इतिहास को ही चुनौती दे रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक हिंदी में। ग्रेट पिरामिड को बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस महान इमारत को बनाने में इंजीनियरिंग के 8 अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया गया था। नंबर 1, सबसे पहले पिरामिड के निर्माताओं ने पिरामिड के आधार के लिए 6000 हेक्टेयर की पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थरों को जोड़ना शुरू किया। ध्यान रहे कि हर पत्थर का वजन लगभग एक कार के बराबर था। नंबर 2, 130 ग्रेनाइट ब्लॉक्स को 500 मील से भी ज्यादा दूरी से लाया गया था और हर ब्लॉक का वजन लगभग 12 से 70 टन तक था। इन ब्लॉक्स को 210 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था, जो कि आज के समय में भी असंभव लगता है। नंबर 3, ग्रेट पिरामिड के भीतर 3 चैम्बर हैं जो गजब की बारीकी से बनाए गए हैं। पिरामिड के भीतर निर्माणकर्ताओं ने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता बनाया है जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है, जो 300 फीट लंबी और सिर्फ 3 फीट चौड़ी है। यह रास्ता निचले चैम्बर की ओर जाता है। नंबर 4, ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। शेप और साइज में ये पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और ऐसी स्थिति में एक्यूरेट शेप की बिल्डिंग बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, ग्रेट पिरामिड की पोजीशन एकदम सटीक है। यह उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित है, जबकि ये तकनीक हमने हाल ही में सीखी है। हमने ऐसा करना 17वीं शताब्दी में सीखा था, जबकि मिस्रवासी हमसे हजारों साल पहले ही ये कर चुके थे। हमारी इमारतें आज भी उतनी सटीक नहीं हैं जितने कि मिस्र के पिरामिड हैं। नंबर 6, ग्रेट पिरामिड की वास्तव में 8 साइड्स हैं। 4 साइड्स के मुकाबले 8 साइड्स के पिरामिड को बनाना और भी जटिल हो जाता है, पर ये 8 साइड्स इक्विनॉक्स के टाइम पर ही दिखाई देती हैं। नंबर 7, मिस्र वासियों ने ग्रेट पिरामिड को बहुत ही तेजी से बना लिया था। मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे थे। सोचने वाली बात यह है कि पिरामिड को बनाने में लगभग 20 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और अगर उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट में साल के 365 दिन भी काम किया होगा तो उन्हें हर पत्थर को खदान से काटने, उठाने और उसे अपने सही स्थान पर लगाने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट का ही समय मिलेगा। नंबर 8, उस जमाने में मिस्रवासियों के पास ना तो पहिए थे और ना ही स्टील। ये जानकर हैरानी होती है कि ग्रेट पिरामिड को सिर्फ कॉपर की छेनियों, पत्थर के हथौड़ों और रस्सियों की सहायता से बनाया गया था। दोस्तों, कई विशेषज्ञों ने ग्रेट पिरामिड के आर्किटेक्चर का बहुत ही ध्यान से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पिरामिड की दीवारों के ब्लॉक्स को आपस में इतनी बारीकी से जोड़ा गया था कि उसमें एक रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा पिरामिड में कुछ ब्लॉक्स को इस तरह से फिट किया गया है कि उनकी शेप और साइज दीवार की दूसरी तरफ की ब्लॉक्स की हूबहू मिरर इमेज है। इस तरह की तकनीक के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थी। वास्तव में अगर आपको ऐसी इमारत बनानी है जो काफी मजबूत हो तो उसे हेट्रोजीनियस शेप में बनाना होता है और पिरामिड के निर्माता इस तकनीक को भली भांति जानते थे। यानी कि 4000 साल पहले मिस्रवासी जानते थे कि भूकंपरोधी इमारत कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की लिपि को हायरोग्लिफ कहा जाता है और इस तस्वीर में आप जो हायरोग्लिफ देख रहे हैं ये अब तक की सबसे रहस्यमयी और सबसे विवादित हायरोग्लिफ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई ना कोई आधुनिक तकनीक रही होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये तस्वीर संयोग से बनी है। ये मिस्र के दो फैरोज सेथी 1 और रेमेसिस 2 के नाम हैं, जो आपस में मिल गए थे। जब इन्हें अलग किया गया तो ये तस्वीर सामने आ गई। मिस्र के विशेषज्ञों ने टेंपल ऑफ लक्सोर में स्थित रेमेसिस 2 के स्टैचू की बारीकी से जांच की तो उन्होंने पाया कि इस मूर्ति को बहुत ही अविश्वसनीय तरीके से तराशा गया था। वहां पर इस तरह की दो मूर्तियां हैं। जब इन दोनों मूर्तियों की पिक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया
तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी थीं। ये मूर्तियाँ ज्योमेट्रिकली परफेक्ट थीं। आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भी ऐसी प्रतिमाएं बना पाना नामुमकिन है, जबकि इन्हें 4000 साल पहले सिर्फ हाथों से बनाया गया था। दोस्तों, मिस्र अकेला ही ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह की वास्तुकला देखी गई है। दुनिया में ऐसी 9 जगह हैं जहां बिल्कुल मिस्र जैसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। उनमें से कुछ जगह हैं ईस्टर आइलैंड, नास्का, कुस्को, सैक्सेहुमान, ओलांते तांबो और माचू पिचू। इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों की जो दीवारें मिली हैं उन्हें ठीक उसी तरह बनाया गया है जिस तरह मिस्र की दीवारों को बनाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इजिप्ट और दुनिया के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ईस्टर आइलैंड, नास्का लाइंस, माचू पिचू, गीज़ा, पेट्रा, मोहनजोदारो, खजुराहो, पाए, सुखोथाई और अंकोर वाट, ये सभी ऐतिहासिक स्थल आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी पर एक सीधी रेखा पर स्थित हैं जो पृथ्वी पर एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल वहीं पर ख़त्म होता है जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि ईस्टर आइलैंड पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सभी स्थान संयोग से बने थे या इन्हें किसी खास कारण से बनाया गया था? वास्तव में प्राचीन मिस्रवासी पिरामिड्स के जरिए पृथ्वी के एक बेहद जटिल खगोलीय चक्र को दर्शाना चाहते थे। ग्रेट पिरामिड अंतरिक्ष में मौजूद तारामंडलों की एक खास स्थिति के अनुसार बनाए गए थे। पिरामिड की स्थिति की बारीकी से जांच करने के बाद ये पता चला कि हर तारामंडल 72 साल में 1 डिग्री खिसक जाता है और एक तारामंडल को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 26,000 साल लगते हैं। दरअसल पिरामिड के चारों कोने अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं। ये नक्षत्र हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ग्रेट पिरामिड 2 परफेक्ट एक्सिस पर बना हुआ है जिनके नाम हैं टॉरस स्कॉर्पियो एक्सिस और एक्वेरियस लियो एक्सिस। एक्वेरियस लियो एक्सिस पर स्फिंक्स बना हुआ है और स्फिंक्स सिंह राशि की दिशा में ही स्थित है। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्फिंक्स को ग्रेट पिरामिड के बहुत बाद में बनवाया गया था, पर हो सकता है कि वो गलत हो। इस त्रिभुज को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड के आकार का ही है। इस त्रिभुज की एक साइड स्फिंक्स के सिर से टकराती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के आधार की आउटलाइन को राइट साइड में खिसकाते हैं और इस बॉक्स से एक सीधी रेखा स्फिंक्स तक खींचते हैं तो वो सीधा स्फिंक्स के सिर से टकराती है, और अगर हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये फिर से स्फिंक्स के सिर को छूता है। शायद यही हमारा जवाब है। गीज़ा एक खगोलीय घड़ी है और ये 4 नक्षत्र उसका डायल हैं जो हर 26,000 साल में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं।